भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी बहादुरी की एक और मिसाल कायम की है। भारत की नौसेना देश में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी अपने झंडे गाड़ रही है। आपने भारतीय सेना की बहादुरी के हजारों किस्से सुने होंगे, वहीं नौसेना का ये कारनामा आपने नहीं सुना होगा, जब नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी बहादुरी की एक और मिसाल पेश की है। यहां आईएनएस कोलकाता ने शनिवार को पिछले साल 14 दिसंबर को अपहृत पूर्व एमवी रुएन से चालक दल के 17 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाते हुए सभी 35 सोमाली समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इंडियन नेवी का 40 घंटे का ये ऑपरेशन शाम को खत्म हुआ और चालक दल के सभी सदस्यों को बिना किसी चोट के बचा लिया गया। नौसेना के अनुसार आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डाकू जहाज रुएन को भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर रोका था और आईएनएस सुभद्रा हेल आरपीए पीएटआई समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार को C-17 विमान द्वारा हवा में गिराया। इस कार्रवाई के कारण समुद्री डाकू जहाज रोकने के लिए मजबूर हो गया। जहाज से अवैध हथियार, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। हालांकि जहाज को शुक्रवार को भारतीय नौसेना के युद्धपोत द्वारा रोक लिया गया था। जहाज से जब युद्धपोत पर गोलीबारी की गई, तब समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। पूर्व एमवी रुएन पर सवार समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और जहाज और उनकी इच्छा के विरुद्ध पकड़े गए नागरिकों को रिहा करने के लिए कहा गया। एक अधिकारी ने कहा कि नौसेना समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो कुल मिलाकर एक बड़ी उपलब्धि यहां पर निश्चित तौर पर भारतीय नेवी की मानी जा रही है, जिसने 35 समुद्री डकैतों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिए और इस तरह से अरब सागर में भारतीय नेवी का शौर्य देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.